क्या नाम है? मेरा नाम सुनील यादव है। अच्छा। और आज जो ममता बनर्जी के खिलाफ जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और उनको जल्दी से बर्खास्त करना चाहिए। और आज मोदी जी तो बनारस के लिए इतना कर चुके हैं, शायद इससे पहले जितने भी नेता लोग आए कोई भी नहीं किया था। आज बनारस में हम देख रहे हैं कि भोजीपुर से चांदमारी की तरफ जितने लाइटिंग की व्यवस्था हो गई, जितना बनारस की स्थिति सुधर गई, शायद ये कभी सपनों में नहीं हो पाता, कोई नेता नहीं कर सकता है। तो ममता बनर्जी जिस तरीके से धरना कर रही है सीबीआई जांच के खिलाफ और उसके पक्ष में अखिलेश यादव जैसे लोग, लालू यादव जैसे लोग या अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जुट रहे हैं, इसका वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सब लोग मिल करके उसको सही साबित करना चाहते हैं कि नहीं ममता बनर्जी जो कर रही है सही कर रही है, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग एक दूसरे में गुट मिल करके अपना काम निकालना चाहते हैं। तो ये साथ क्यों दे रहे हैं? खुद इनके खिलाफ भी सीबीआई जांच है इसलिए? अब नहीं, ये तो मैं उतना क्लियर नहीं जान सकता हूँ, लेकिन आज जो भी लोग उसके पक्ष में बात कर रहे हैं सब लोग चाह रहे हैं कि ये मतलब गलत साबित, मतलब आपको लग रहा है ये गलत हो रहा है? हाँ, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे टॉयलेट के प्रयोग करते हैं। अच्छा, आप अखबार पढ़ते हैं? कल बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा नाटक हुआ जिसमें ममता बनर्जी ने जो सीबीआई टीम वहाँ कलकत्ता पुलिस के जो कमिश्नर थे राजीव कुमार उनसे पूछताछ करने गई, पहले पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया सीबीआई अधिकारियों को, फिर जॉइंट कमिश्नर के यहाँ पुलिस भेज दी और उसके बाद ममता बनर्जी वहाँ धरने पर बैठ गई, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा नहीं हुआ, सीबीआई ने हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में वहाँ गई हुई थी और उनका मौलिक अधिकार है कि वो गोपनीय ढंग से छापा मारना, तो ये जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ममता जी ने अच्छा नहीं किया है, किसी शासकीय कर्मचारी को बंधक बना लेना ये अच्छा नहीं है। और अभी जो वो धरने का ड्रामा कर रही हैं और उसको लेकर दिल्ली के चंदाचोर केजरीवाल, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और गमला चोर टोंटी चोर अखिलेश यादव, चारा चोर लालू जी के बेटे जैसे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, आप इस सबको क्या बोलेंगे? ऐसा है कि 4 साल के मोदी जी के कामों से सब लोग घबरा गए हैं और मोदी जी ने जिस ढंग से काम किया है उसका ये सब नाटक कर रहे हैं, वो नाटक चलने वाला नहीं है अब नाटक। हाँ, हाँ, जितने चोर हैं सब मिल गए सारे। कौन कौन चोर हैं? अरे जितना नेतवा कुल हो जो इकट्ठा हो तो वो जो ममता के समर्थन में आए। हाँ, सब चोर हो, सब चोर हुए। हाँ, और ये जो संवैधानिक रूप से जो जिम्मेदारी होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री की उसको निभाने की बजाय जो अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है उसको साथ लेकर, अकेली ममता वहाँ नहीं बैठी है, ममता के साथ साथ जिस तरीके से पुलिस के अन्य अधिकारी वहाँ सिविल ड्रेस में बैठे हैं उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमने जो सोचा और जो कल ड्रामा देखा इससे साफ लगता है कि बहुत बड़ा भयंकर भ्रष्टाचार है जिसे छिपाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी अपना हस्तक्षेप कर रही थी, अच्छा नहीं। इसी मामले में पी चिदम्बरम की बीवी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा, उसको लेकर सीबीआई ने अपनी केस दायर किया नलिनी चिदम्बरम को, तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी खुद अपने आप को बचाने के लिए राजीव कुमार का सहारा ले रही है? देखिए, ये सब तो पॉलिटिकल बात है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये हमें लगा कि अच्छा नहीं है कि जिस ढंग का कल नौटंकी किया गया कि सीबीआई के लोगों को कैद करके थाने में बैठाना, ये इन्होंने अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया है, पद का दुरुपयोग किया है। आइए, आप आइए, कहाँ से आए हैं? आगे आइए, डरिए मत, कहाँ से आए हैं? राजवाड़ी से आ रहे हैं। राजवाड़ी से? आप अखबार पढ़ते हैं? हाँ। कल बंगाल में एक नाटक हुआ, ममता बनर्जी ने जो बंगाल के कोलकाता का पुलिस कमिश्नर था उसकी जांच करने जब सीबीआई गई तो उन लोगों को हिरासत में ले लिया और सीबीआई के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की आज वो धरने पर बैठ गई हैं इसी बात को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? गलत बैठी है, गलत बैठी है। हाँ, ये जो सादा चिटफंड घोटाला है जिसमें करीब 20 लाख लोगों का 40,000 करोड़ रुपए उन्होंने घपला किया और उसके बाद में जिस तरीके से उसमें नेता इन्वॉल्व थे उसी की जांच हो रही थी और उस पे नाम कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से जुड़े हुए लोगों का आ रहा है, तो आपको क्या लगता है? हमको लगता है का ना कि गलत है, गलत किया है। क्या कहते हो? इधर आओ। ममता बनर्जी जो धरने पर बैठी है सीबीआई के खिलाफ, क्या बोलोगे इस पर? क्या हम इसके बारे में जानते ही नहीं? क्या जानते नहीं, अखबार नहीं पढ़ते, ये पढ़ा लिखा बच्चा लग रहा है। ममता बनर्जी जिस तरीके से धरना कर रही है कोलकाता में सीबीआई के खिलाफ, सीबीआई जो शारदा चिटफंड घोटाले नाम के बड़े घोटाले के खोलने के लिए राजीव कुमार को वहाँ पूछताछ के लिए गई थी और ममता ने एक नया नाटक शुरू कर दिया, क्या बोलोगे?
देखिए सिंपल सी बात यह है कि ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो सिंपल सी बात है कि तानाशाह हो गई हैं। उनको केंद्र का जो भी अगर शासन है जो नियम है उसको पालन करना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, अगर केंद्र से कोई है, केंद्र का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सीबीआई होता है आप उस सीबीआई का पालन तो करिए। आप स्टेट गवर्नमेंट है, आप वहाँ पुलिस से रोकवा दिए, अच्छी बात नहीं होती है। सिंपल सी बात है कि अपने तानाशाही को छोड़िए, मोदी जो कर रहे हैं उसमें आप सहयोग दीजिए। पहले भी लगा था मोदी पर भी, मोदी जब मुख्यमंत्री थे इसके पहले तो उनको भी सीबीआई जांच लगी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था, सीबीआई की जांच के लिए उल्लंघन नहीं किया था, उसका नियम का पालन किया था, हर एक चीज किया था। खुद 9-9 घंटे जांच पूछताछ में बैठे बिल्कुल बिल्कुल, और 9-10 घंटे हमेशा करते थे, और जब मुख्यमंत्री थे हमेशा देखे। और आप तो सही है लेकिन प्रेजेंट में ऐसा नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं आप, आपको समझना चाहिए कि सीबीआई क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। दूसरी बात यह, जब पूरी जांच हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रही है, और इस जांच की जो मांग की थी वो कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष ने की थी, प्रदेश अध्यक्ष ने की थी, तो उस स्थिति में अभी आप कल का ही न्यूज देखिए, आपने योगी आदित्यनाथ जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनके हेलीकॉप्टर को आपने लैंड नहीं करने दिया। अरे कैसी बात होती है, आप एक यूपी के हैं तो उनको कम से कम इज्जत तो दीजिए, एक रेस्पेक्ट तो करिए। आप लोग के मतलब कैसा बिहेवियर है, आप लोग एकदम तानाशाह हो गए। लेकिन इस बार जो ममता दीदी है ना, इस बार ठीकेंगे नहीं, वहाँ भाजपा आएगा इस बार। ये क्या डर की वजह से हो रहा है कि पहले वो अमित शाह को रोकती है, फिर मोदी को रोकती है, फिर योगी को रोकती है, ये डर क्यों है ममता के? देखिए सिंपल सी बात है ना कि आजकल भाजपा जो है ना बहुत हाईलाइट चेहरों का एकदम वो हो गया, एकदम जमा ओड़ा है। उनको डर है कि अगर भाजपा के लगातार लोग यहाँ पर आएंगे तो सिंपल सी बात है कि बंगाल में एकदम कब्जा हो जाएगा। लेकिन इस बार जो बंगाल का है ना उसमें इस बार भाजपा वहाँ पर एकदम पूरा बहुमत के साथ जीतेगा इस बार, मतलब कुर्सी जाने के डर से ये सब हो रहा है। अखबार पढ़ा है जी सर, क्या लग रहा है जो ममता बनर्जी का पूरा नाटक है, और उसके बाद उस नाटक के समर्थन में सबसे बड़े नौटंकीबाज दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे लोग आ गए हैं, केजरीवाल जैसे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए पूरी तरीके से सत्ता का जो है प्रशासन, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है प्रशासन। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है तो उन्हें सबका ख्याल रखना चाहिए। केंद्र सरकार सीबीआई को सौंपी है जांच करने के लिए, तो उसे अपना काम करने देना चाहिए। ये धरने पर बैठी है बिल्कुल, ये पढ़े लिखे बेवकूफ लोग का काम है। ये कहीं अपनी अपने ऊपर जो आंच आ रही है शारदा चिटफंड घोटाले की, जो 40,000 करोड़ का घोटाला है, 20 लाख लोगों का 40,000 करोड़ रुपए जिस तरीके से पहले जमा कराया गया फिर उसको हड़पा गया, और उसमें जिस तरीके से नाम आ रहे हैं ममता बनर्जी के सहयोगियों के, और राजीव कुमार के ऊपर ये आरोप था कि वो सबूतों को बचाने के लिए, उसकी जांच के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये लगता है कि ये कुर्सी बचाने की कसरत है? बिल्कुल, ये एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए ये जो धरने पर प्रदर्शन बैठी हैं, ये अपने और अपने जितने भी सहयोगी हैं उनका नाम छिपाने के लिए इस तरीके का ये नाटक किया जा रहा है, जो अभी कुछ दिनों बाद आपको सच्चाई सामने आ जाएगी मीडिया के माध्यम से इसके पीछे क्या कारण था। उनके समर्थन में जिस तरीके से दिल्ली के मशहूर चंदा चोर केजरीवाल जी, या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमला चोर, टोंटी चोर, कमोड चोर अखिलेश यादव जैसे लोग आ गए हैं, इसकी क्या वजह है? इसका क्या, एक आपने एक सुना होगा चोर चोर मौसरे भाई, ये रिश्तेदारी है, जो आते हैं जो चोर होते हैं वो अपने अपने सहयोग अपने साथ में रखते हैं। तो अखिलेश से लेकर मायावती से लेकर जितने भी केजरीवाल से लेकर हैं ये ममता बनर्जी के, ये सब एक दूसरे के ही जैसे हैं जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, आप पूछेंगे तब ना। ममता बनर्जी जिस तरीके से धरना कर रही है बंगाल में, आप उसको सही मानते हैं? हम किसी, सब झूठे हैं सर, सब झूठे हैं, उनके पीछे पड़ रहे हैं तो सब झूठे हैं, सब मोदी को आरोप लगा रहे हैं, मोदी गलत है, मोदी सबसे बेस्ट है, इंडिया में सबसे बेस्ट मोदी है भाई। उसमें कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बुरा है, तो पब्लिक है, ये तो बुरा अच्छा लगा रहेगा, लेकिन काम उनका नंबर एक है, काम नंबर एक है, काम ममता बनर्जी कर रही है नाटक वहाँ पर, वो गलत नाटक है ना, तब क्या है भाई, राजनीतिक नाटक है और क्या है, और क्या है। ममता जी जो धरना कर रही हैं सीबीआई जांच को रुकवाने के लिए, जो जांच सुप्रीम कोर्ट के कहने पर शुरू हुई थी, वो ड्रामा है क्या है? ड्रामा है, ये ड्रामा क्यों हो रहा है? सर अभी नेता लोग के बात वही लोग समझे, खाली सत्ता के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सत्ता का खेल चल रहा है और क्या, कुर्सी बचाने का खेल है। हाँ, और ये जो बाकी समर्थन में आ रहे हैं ये भी अपनी कुर्सी लेने के लिए है। अच्छा, यहाँ मोदी जी के काम के बारे में क्या कहेंगे?
बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत अच्छा काम किए, एक और काम बताइए। क्यों नहीं, बनारस की स्थिति पहले से काफ़ी सुधर गई, सड़कें भी पहले से काफ़ी अच्छी हुई। कोई काम तुरंत तो होता नहीं, जो पहले से इतने दिन से चला आ रहा था उसको करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, लेकिन कल से आज देखिए बनारस की स्थिति क्या होगी। 4 साल में बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। अगली बार बनारस वाले दोबारा मोदी जी को चुनेंगे? क्यों नहीं चुनेंगे, काम देखेंगे तो जरूर चुनेंगे। चुनेंगे। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से? हाँ, उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसी दिल्ली के जिसके मुख्यमंत्री चंद्राचोर केजरीवाल है। अरे नहीं नहीं, ये जो हो रहा है वो ममता बनर्जी बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि पहले ही आपको पता है सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ है, और बीजेपी तो बहुत अच्छे से कर रही है। आप देख लीजिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, चाहे आप आरबीआई को देख लीजिए, चाहे आप सीबीआई के आलोक वर्मा को देख लीजिए, हर के साथ उनके साथ यही व्यवहार है। वो चाहते हैं कि एक तरह से एक जो डेमोक्रेसी को तोड़ के, एक संविधान को ब्रेक करके वो खुद राजा की तरह काम करना चाहते हैं। सीबीआई क्या है? सीबीआई एक टूल है। एक दिन रेट से पहले सीबीआई के लिए मोदी जी वेस्ट बंगाल में रैली में बोलते हैं चिटफंड घोटाले के बारे में, और नाम लेते हैं, और अगले दिन रेट पर जाता है। ये क्या हो रहा है मतलब? और आपको पहले क्या लगते हो? मैं बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपने तमाम वो आरोप लगा दिए जो आरोप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव नंदन, सोनिया सूत, राहुल गांधी लगाते रहे हैं। आपने कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग है इस मामले में, जो सीबीआई जांच हो रही है उसकी मांग कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने की थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह जाँच शुरू हुई। नंबर एक, सुनिए उतावले मत बनिए। नंबर दूसरी बात, आलोक वर्मा का आपने आरोप लगाया, आलोक वर्मा ने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी की, बेनामी संपत्ति इकट्ठी की। आलोक वर्मा ने विजय माल्या को भगाने का काम किया, इसके सबूत मिले, उसके आधार पर सीबीसी ने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो उसमें थे शामिल, उसके बाद समिति ने आलोक वर्मा को हटाया। एक सुन लीजिए, तीसरी बात, इस मामले में सीबीआई ने कई बार राजीव कुमार को लेटर भेजे कि आप हमें जाँच में सहयोग कीजिए, वो सबूत दीजिए जिनके आधार पर लोगों को पकड़ा जा सके, उसने उसको कान नहीं दिया। और जब उसी की जांच करने के लिए सीबीआई कोलकाता जाती है तो उन अधिकारियों को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, आप उसको सही बता रहे हैं। उसके बाद ममता बनर्जी जो इस जांच के दायरे में है, वो ममता बनर्जी जब धरने पर बैठ जाती है पुलिस अधिकारियों को लेकर, आप उसको भी सही लगा रहे हैं। क्या बात है, हम आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं? मैं आम आदमी पार्टी के संबंध नहीं रखता, मैं एक समाज का पढ़ा लिखा तदबा। हमारे समाज में प्रॉब्लम ये है ना, बहुत लोग इलिटरेट है। इलिटरेट मतलब कहने का मतलब शिक्षा नहीं, पॉलिटिकल इलिटरेट। उनको उनको पता नहीं उनके अधिकार के बारे में, उनको ये नहीं पता तो कि क्या भ्रष्टाचारियों को साथ देना। एक मिनट, तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है मेरे को जो पूछना है उसका जवाब चाहिए, ठीक है? तो क्या पढ़े लिखे आदमी का ये कर्तव्य है कि जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिसके खिलाफ जांच चल रही है, उस जांच को चलने से रोका जाए और उसके पक्ष में एक मुख्यमंत्री धरने का नाटक करे? आप समझिए, ये ममता बनर्जी ने जो धरना दिया है, ये सिर्फ एक सीबीआई के खिलाफ नहीं है, ये प्रतीत है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी फंडामेंटल्स राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आया आपने कॉन्स्टिट्यूशन? मैं सवाल पूछ रहा हूँ सीधा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने लॉ किया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की दोस्त नहीं दिखाई है मुझे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं अभी। कौन से कॉलेज में है? मैं एसआरसीसी कॉलेज में, इकोनॉमिक्स एसआरसीसी में है। वहाँ के जो रीडर है लॉ कॉलेज के, उनसे मेरा नाम जाके पूछे, मुझे सब पता है। मुझे मैं जो पूछा हूँ, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री सीबीआई को जांच नहीं करने देगा, जो कि संसद के द्वारा पारित एक विधेयक, एक अध्यादेश के द्वारा बनी हुई बॉडी है, उसको अधिकार है किसी भी व्यक्ति से जांच करने का, पूछताछ करने का। आपको पता है नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, 9-9 घंटे पूछताछ हुई थी उनसे, उन्होंने बाकायदा जवाब दिए थे, धरना तो नहीं किया था। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, मगर आप ये समझिए, द ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम जो जितने भी मतलब ये एक मुद्दा बन चुका है कि हाँ ये सीबीआई को किया है मतलब, बट ये मेन ये है टारगेट जो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो एक पर्सनल, एक लोगों के फ्रीडम, एक राइट्स को बचा के रखती है, उस पर ये आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है। आपको नहीं पता कि अभी अखिलेश कुमार जी के, जब उनका उन्होंने मायावती जी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, तो उनके पीछे सीबीआई लग गई, सीबीआई को टूल बना के ये लोग चाहते।
जब उसने मायावती से गठबंधन किया तब से सीबीआई नहीं लगी। ये मामला भी एक मेरे जैसे आरटीआई कार्यकर्ता की अपील पर हाई कोर्ट के द्वारा जांच थी, भी चंद्रकला से पूछताछ हुई, उसके सबूत मिले। 13 लोगों को अखिलेश यादव ने ई टेंडरिंग को साइड में रख के 13 लोगों को एक दिन में खनन का पट्टा दिया, इसकी जांच में अखिलेश यादव है। ये वही अखिलेश यादव है जब मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो वहां से गमला चुराया, टोटी चुराई, टाइल चुराई, और तो और वो इतना नीचे गिर गया कि जो कमोड होता है ना लैट्रिन का पॉट, उस पॉट तक को वो चुरा ले गया। उस अखिलेश यादव को आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? नहीं, देखिए आपका ये इल्जाम बिल्कुल आप लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर इसका कोर्ट, अगर कोर्ट में मामला भी है, कोर्ट अगर सजा देती, हम लोग नहीं होते हैं कि सजा का ऐलान को। एक बात समझ लो, अभी आपने बार बार संविधान का नाम लिया, इस देश का संविधान, इस देश की जनता को हर प्रधानमंत्री से, हर राष्ट्रपति से और हर कोर्ट से ऊपर रखता है। संविधान की पहली लाइन कहती है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि सॉवरेंटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया, नाइदर इन द प्रेसिडेंट नॉर इन द प्राइम मिनिस्टर, समझ रहे ना। तो इस वजह से भारत की जनता को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के भी गलत फैसले का विरोध कर सकती है, उसके खिलाफ बोल सकती है, लेकिन अन्याय के पक्ष में बोलना अपराध कहलाता है। ये देखिए आपका बिल्कुल कहना सही है, बट आप ये समझने की कोशिश करिए, जो ये बीच आप मुझे नहीं समझा पाएंगे, रवीश कुमार को ज्यादा देखते हैं लगता है। रवीश से पूछना हमारा नाम ज्यादा। ये बीजेपी वाले लोग हैं, तुम कम्युनिस्ट हो? कम्युनिस्ट नहीं है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, जो मुझे सारे राइट्स पता है, मुझे ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें अच्छा लगता है? कम्युनिस्ट क्या होता है, एक मिनट, कम्युनिस्ट क्या होता है, कम्युनिस्ट और मार्क्सिज्म में क्या डिफरेंस होता है, आप लॉ के स्टूडेंट है बताओ तो जरा। नहीं, तुमने कहा ये बीजेपी वाले कैसे कहा? ऑफकोर्स आप बीजेपी वाले, आपका एटीट्यूड वही है। अब मैं बोल रहा हूँ, आप कौन है? अखिलेश यादव ने टोली चुराया, नल चुराया, आप देखे तो वहाँ पे नोटबंदी हुआ, अमित शाह के बेटे का इनकम 16,000 करोड़ बढ़ गया, उस पर रिपोर्टिंग किया, उसने 10,000 का सीबीआई लगा, 1,000 करोड़ का दावा किया, उसके ऊपर डिफेमेशन का पता है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, डिफेमेशन हुआ, अजय बवाल का बेटा का कंपनी डिमोटराइज, उसने भी डिफेमेशन किया उसके ऊपर, कुछ नहीं हो रहा, सीबीआई क्यों नहीं लगा? डिफेमेशन 506 लगा है उसके ऊपर, 506 लगा उसको, हो गया काम, चलो अपना। तुम पर चिल्ला रहे, उसको जवाब दे रहे, तुमको क्या मिर्ची लग रही है? यहाँ पे ओबीसी और एससी, ओबीसी कहाँ से आ गया? सुनो, ओबीसी और एससी कहाँ से आ गया? आवाज है ये लोग, अखिलेश कुमार और मायावती आवाज है। अरे भाई, आवाज को दबाने की कोशिश मत करिए, जातिवाद दिख चुका है, ये तो सब हमारे ऊपर जातिवाद मत लगाई है, हमने जातिवाद क्या? नहीं नहीं, जातिवाद मत दिखाओ, सही बोला आपने, जातिवाद मत दिखाओ, आवाज दिया है और इस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वापस जाते हैं वही करे। अरे यही बात तो तेजस्वी कहता है, लालू का बेटा भी यही कहता है, मायावती से, मायावती भी यही कहती है, मायावती भी यही कहती है, मायावती भी यही कहती है, मायावती भी यही कहती है। जब कुछ नहीं बचता तो जातिवाद आ जाता है और आरक्षण आ जाता है और कुछ नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग अपना काम करो, हम लोग अपना काम करो। हाँ, एक मिनट, आप अखबार पढ़ते हैं? नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे? अभी सही, आप ही नहीं बोलेंगे, लग रहा है यहाँ लोग डर गए हैं। तो बनारस में ये जिस तरीके से लोगों का राय है, और एक वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तथाकथित स्टूडेंट आए, वो हमारे ऊपर आरोप लगाए कि ये गरीबों की यानी कि एससी एसटी की आवाज़ को दबाने की कोशिश है, यानी कि जब बस नहीं चलता है तो सीधे सीधे वो जातिवाद को बीच में ले आते हैं, जैसा मायावती और मुलायम करते रहे हैं, कि जब उनके पास भ्रष्टाचार की जांच होती है तब वो आरोप लगाते हैं कि ये हमारे खिलाफ इसलिए हो रहा है। मायावती कहती है मैं दलित की बेटी हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार की जाँच हो रही है। अखिलेश कहता है मैं ओबीसी हूँ,
इसलिए हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार की बात हो रही है।